कांग्रेस कमेटी ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 15 लोगों का टिकट फाइनल कर दिया है। इन प्रत्याशियों में से 9 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जिन पर अब कांग्रेस के चेहरे सामने आ चुके हैं। ग्वालियर के 15 नंबर सीट से कांग्रेस ने युवा नेता सुनील शर्मा पर भरोसा जताकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने उम्मीदवार घोषित किया है। अनादि टीवी ने सुनील शर्मा से खास बात की। शर्मा द्वारा किया गया शर्मा को दिया गया, जिसमें आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद स्नेह है, और उससे बड़ा मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ ग्वालियर विधानसभा की जनता का मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो स्नेह है, इसलिए मुझे वो स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत प्रत्याशी बनाया गया है। हम सर्वांगीण ग्वालियर विधानसभा का विकास हो, अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति को विकास पहुंचे, हर गरीब को राहत मिले, ये हम इस भावना के साथ कार्य करेंगे। और जो जनता के साथ धोखा हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को जो षड्यंत्र पूर्वक रचकर गिराया गया है, ये चुनाव जनता बनाम धोखे के बीच है, और जनता इस धोखेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी और चुनाव में इनको भारी सशक्त देगी। देखने को मिला ला भारी करोड़ों रुपए का जो मैंने कहा ना, अभी तक याद क्यों नहीं आई भाई? चुनाव के समय क्यों याद आ रही है? जनता सब समझ रही है, वो है ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है। वो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है और वो तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। आपको बता दें दोनों ही चुनाव के साथ कमल वर्मा अनादि।